सरकार बदलने के बाद जो ये नियम वापस लिए हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे मन में दुख और पीड़ा है। खरगे साहब बोले सो है जो केसरी जो शाल डाल के जो आते हैं उनको पकड़ के अंदर डालो बोल के उनको आज एक बात बोलना चाहता हूँ साहब कि ये जो केसरी शाल है इसका जो वैल्यू है आपको मालूम नहीं है। तो जो लोग खा रहे हैं उन्हें भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस पशु का मांस सेवन कर रहे हैं ना देख सोच समझ के सेवन करिए। और उन्हीं में जो इलीगल भी गाड़ी जो आते हैं उसको पकड़ते हम। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। आज हम DC कलबुर्गी DC ऑफिस के सामने विरोध प्रकट कर रहे हैं। विरोध प्रकट करने का कारण है जो कि गैरकानूनी तरीके से गौ माता का तस्करी की जा रही है और गौ माता का वध किया जा रहा है, उसके लिए हम विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बकरी ईद के संदर्भ में जितने भी हमारे मुस्लिम बंधुओं हैं वो लोग गौ माता का अधिकतर वध करते हैं, तो वो एक चीज़ को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी पुलिस प्रशासन से विशेषकर और यहाँ की सरकार से कि जितने भी टूल नाका है कहीं यहाँ कलबुर्गी में करके नहीं जितने भी जगह पे है, जो कोई भी कानूनी दायरे में जो कोई भी आता है कि गैर कानूनी तरीके से तस्करी को रोकने के लिए टूल नाका बनाया जाए और वहाँ पे जब तक बकरी ईद ख़त्म नहीं होती तब तक नाकाबंदी रहे और गैर कानूनी तरीके से जिस तरीके से तस्करी की जा रही है पशु बीमार रहने के बावजूद भी बेचा जा रहा है पशुओं। तो जो लोग खा रहे हैं उन्हें भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस पशु का मांस सेवन कर रहे हैं ना देख सोच समझ के सेवन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितने भी बीमारियाँ हैं मांस मदिरा ये सब आदि चीज़ों से आते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कृपया कर जिस हर साल जिस तरीके से टूल नाका बना करके कड़ी से कड़ी की जाना चाहिए, क्योंकि गैसों बार की तरह एक दो दिन कर दिए फिर छोड़ दिए फिर तीसरे दिन पे आए या ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा घात होगा सनातन भावनाओं को। तो मैं DC साहब से यही निवेदन करता हूं कि इमीडिएटली इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। आपका डिमांड ये है कि भैया गौ, हाँ गौ हत्या को तो जो इस तरीके से यहाँ पे सरकार बदलने के बाद जो ये नियम वापस लिए हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे मन में दुख और पीड़ा है। हम नहीं पूरे सनातन सभी जितने भी लोग हैं जो गौ को माता करके उनका दूध ग्रहण करते हैं उन सभी लोगों की तरफ से, हाँ ये साल भी कानून के दायरे में रह करके जो कुछ भी किया जा सकता है हम कानून को हाथ में तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कोई लेने का प्रयास करेगा तो हम कानून की रक्षा करने के लिए तो तत्पर है। जो इस बार 29 को बकरीद हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, हम हर साल हिंदू जागरण सेना के और हिंदू संगठन की तरफ से यही बोलते आ रहे हैं कि ये गौहत्या बंद करना बोल के। जो 4 साल पहले BJP सरकार था उस टाइम में हर ये रिंग रोड को चेकपोस्ट डाल के जो इनलीगली गाय को लेके आते थे डिपार्टमेंट वाले पकड़ के उनका रक्षण करके बहुत अच्छा काम करे सो है। इस बार भी हम DC साहब को एक लेटर दे रहे हैं कि इस बार भी जो हर रिंग रोड को चेकपोस्ट डाल के जो इनलीगल गाय को लेके आते उसको सीज करके वो गो रक्षण करना बोल के आज हम मनवी दे रहे हैं। खरगे साहब बोले सो है जो केसरी जो शाल डाल के जो आते हैं उनको पकड़ के अंदर डालो बोल के उनको आज एक बात बोलना चाहता हूँ साहब कि ये जो केसरी शाल है इसका जो वैल्यू है आपको मालूम नहीं है एक बात बोलना बोले तो, क्योंकि हम जो इतने हम स्ट्राइक करें इतने भी हम ये करें सो है एक भी हम कानून को हाथ में नहीं लिए जो भी है लीगली करें से, इसलिए आप इस बार हम बोलना चाहते हैं इस बार भी हम जो लीगली क्या है उसी ये इस पर हम गोरक्षण कर रहे हैं और रात को हमारा राउंडिंग करते अगर जो इनलीगल गाड़ी मिले तो इमिडिएटली हम जो स्टेशन को आता वो एरिया वो स्टेशन सरकार साहब को फ़ोन लगा के वो हैंड ओवर करते इतना समय। जो भी है हम संगठन की तरफ से जो हम रात को राउंडिंग करते और राउंडिंग में जो इनलीगल भी गाड़ी जो आते उसको पकड़ते हम पकड़ के जो कानून के दायरे में जो करना है वो करते हम काम। आपका संगठन का नाम, आपका नाम हिंदू जागृति सेना लक्ष्मीकांत वादी।